हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज एक और नई ड्रैग के साथ दो गाड़ियां फ्रेम में, एक महिंद्रा जाने वाली स्कॉर्पियन और एक तरफ किया की सोनेट। दोनों गाड़ियां डीजल है, दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। स्टिल भाई ड्रैग तो बनती है, पता लगे कि किस में कितनी पावर है। अपनी महिंद्रा 2.2 लीटर की और सोनेट की बात कर ले तो 1.5 डीजल ऑटोमेटिक है दोनों ही। जैसे मैंने आपको बताया, सोनेट की पावर की बात कर ले तो 115 की हॉर्स पावर है और 250 का टॉक है। बिल्कुल क्रेटा सेल्टॉस वाला इंजन आता है इसके अंदर, तो पावर तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ी भागती है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियन की बात कर ले तो भाई ये बनाती है 175 की हॉर्स पावर और 400 का टॉक, ये भी बहुत ज़बरदस्त भागती है, बहुत बढ़िया लॉन्च है। पर लाइट वेट का बेनिफिट मुझे लगता है कि सोनेट उठा सकती है, क्योंकि थोड़ी हल्की है इससे, अराउंड 700-800, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही हल्की है। बाकी ड्रैग करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कमाल स्कॉर्पियन भी दिखाएगी। तो बिना देरी के करते हैं ड्रैग स्टार्ट और देखते हैं क्या रहता है आज की ड्रैग में। तो भाई राउंड वन के लिए आगे स्कॉर्पियन अपने वीर जी के साथ। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। लगे हो, लग रहे हो क्या आप उठे हुए? गुड मॉर्निंग है क्या? हाँ जी भाई, एसी ऑन रखो, अभी ट्रैक्शन ऑन रखो और अपना नॉर्मल मोड रखो। हाँ, इसमें जैप मोड रख रहा हूँ मैं, एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है। ठीक है, तो गाइस आगे अपने पहले राउंड में, अभी एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है और जैप मोड है, उसका नॉर्मल मोड है, ट्रैक्शन ऑन है, एसी ऑन है। तो अभी दोनों गाड़ियों के सेम स्पेक्स रखे हैं, देखते क्या रिजल्ट रहता है। थोड़ी मैं गाड़ी सीधी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। चलो जी करते हैं स्टार्ट। 3-2-1 कर दूंगा मैं। चलो जी, थ्री टू वन। भाई चल रही है बराबर सोनेट यार, बिल्कुल बराबर चल रही है वीर जी। पीछे हो जाएगी वीर जी, अब जाएगी वो तो, मैं बोल रहा हूँ ना 100 के बाद। अरे आगे वीर जी, ये क्या हो रहा है? ओ भाई कमाल, यही हो रहा है। अरे सोनेट निकल गई वीर जी, ये कैसे भाई, वेट का फर्क दिख गया भाई। अरे यार, अरे पर यार सोनेट चली गई यार, मुझे था पोटेंशियल में ये जाएगी, पर पोटेंशियल में वो चली गई यार। वीर जी एक बात बताओ, वो क्रेटा सेल्टोस का इंजन है और वेट उनसे 150 किलो कम है। 150 किलो कम है, सही बात। पावर टू वेट रेशियो कितना अच्छा होगा, बहुत बढ़िया यार। मुझे लग रहा था एन निकल जाएगी, पर भाई नहीं, सोनेट ही निकली आगे। अभी तो हो सकता है कि स्पोर्ट्स मोड नहीं डाला, एसी भी ऑन है, कोई नहीं, करके देखते हैं। पर भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भागी भाई, वो डीजल तो कमाल है यार, डीजल वाली सही भागती है। डीजल वैसे भी हुंडई की आगे बहुत बढ़िया है, 800 किलो फर्क भी तो है। नहीं भाई बहुत बढ़िया यार, पोटेंशियल में अच्छी निकली। फिर आप क्या सीधा था, अब आएगी 120-130 के बाद। पर आप चलने देना गाड़ी को ना, थोड़ी आगे चलने देना, कोई नहीं 140 तक चलने देना, 140 पे ये दोबारा निकलने वाली थी, पता लग जाएगा पोटेंशियल में क्या पावर है। 130 पे ब्रेक मारी, अब एक काम करते हैं, अपना एसी ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? ट्रैक्शन ऑन रहने दो, एसी ऑफ, नॉर्मल मोड ही, नॉर्मल मोड है, ठीक है, एसी ऑफ है अब। चलो करो 3-2-1। चलो जी सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया भाई, अब क्या रहेगा। सोनेट चल रही है अभी भी बराबर, पर अब निकली स्कॉर्पियन, निकली एसी ऑफ होती, एसी ऑफ होती स्कॉर्पियन में पावर आ गई भाई, पर वो ज्यादा पीछे नहीं जा रही यार, ज्यादा पीछे नहीं है, बिल्कुल बोनेट पे बनी हुई है, बिल्कुल बोनेट पे बनी हुई यार। मुझे लग रहा है मैंने पूरी रेस दी नहीं पहले राउंड में, कुछ तो था, पर अब वापस आ रही है यार, 140 के बाद आ रही है, अब आ रही है बराबर, अब आगे निकल गई यार 150 पे अरे पहले मेरे को लगा, मुझे लग रहा मैंने पूरी रेस नहीं दी। राइस बार फर्क तो फिर 150 में निकल गई, हाँ ड्रैग में निकल गई, ड्रैग में ले गई, लाइट वेट है ना, पोटेंशियल में निकलेगी आगे, और एरोडायनामिक वो ज्यादा है, ये ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, ये थोड़ी बॉक्सी है। हाँ स्पोर्ट्स मोड लगा लो, लगा रहा हूँ ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, हाँ जूम मोड है, ट्रैक्शन ऑफ कर लिया, एसी ऑफ कर लिया, जूम मोड है, उसका भी भाई स्पोर्ट्स मोड है, ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। चलो चलो जी क्या रहता है फर्क, अब तो निकलनी चाहिए और अच्छे से आगे। 3-2-1। अब तो इनिशियल से ही जा रही है, इनिशियल से ही।
लग रहा स्लो चल रही है। अरे वो आ गई यार वापस, कितने पे आ गई? 100 पे आ गई, 100 नेट निकल गई भाई, ये तो कमाल ही हो गया। ओ वीर जी एकी हो गया, मुझे लग रहा जैप में ज्यादा भाग रही है। ओ भाई आ तो कमाल हो गया ही। अब मैं लास्ट राउंड में वेरी गुड हो गया जी, वेरी गुड, टडल टडल हो गया। स्कॉर्पियो को तो कर ही दिया तूने, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कर दिया कमाल इसने तो यार। निकल गई वो, हाँ 100 पे निकल गई भाई आगे। अब जैप में ही लगा तो जूम में मुझे लग रहा टीम आ गई है। अलग ही सिस्टम है भाई गाड़ियों का, पावर मोड वाले पावर में भागती ही नहीं है गाड़ियाँ। मुझे लग रहा है एक दो ट्रैक करते है ना उसकी पावर भी कम हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। आगे चलो क्या उसे। 100 के बाद निकल गई भाई आपकी, बढ़िया भाई। आपने स्पोर्ट्स में रखो, मैंने इसका जैप लगाता हूँ, मुझे लग रहा है जैप में ज्यादा भाग रही है। नॉर्मल में, मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा भाग रही है। एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ है, बस हमारा जैप मोड है। ठीक है चलो आप कर लो। 3 2 1 अरे वाह भाई वाह, अभी भी वीर जी बराबर चल रही है, आकी हो रही है ही। ओ निकली स्कॉर्पियो निकली, वो जैप में निकली, पर वो भाई बिल्कुल बनी हुई है, देखो तो भाई बिल्कुल बनी हुई है यार, बैक डोर पे बनी हुई है वही। 120 के बाद फिर 130 के बाद आ गई भाई, 130 के बाद आगे, अभी भी बराबर चल रही है वैसे गाड़ियां, ज्यादा फर्क नहीं है। ब्रेक ले ली भाई ने, भाई ने ब्रेक ले ली, पर मैंने क्या कहा था जैप में भाग रही है, बढ़िया भाग रही है भाई, जैप में बढ़िया भाग रही है। 130 के बाद निकली है, 130 ड्रैग दोबारा ये जीतगी देख लो। और जो जो जिसको लगे ना कि भाई कि आप कह रहे हो 130 पे, तो भाई 110 115 पे करती है 400 मीटर ये। मैंने नापा हुआ अच्छे से, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये मत कहना कि आपने अपनी जिता दी है। 130 है तो मतलब, पर भाई, पर भाई जब वो जीती है तुमने दिखाया ही यार, जीत रही है, जीती यार, रूम में नहीं भाग रही, नहीं भाग रही, रोलिंग करेंगे भाई, जैप में निकल जाती है देख लो, 130 के बाद निकली आपको। हाँ, मतलब पोटेंशियल में ले जाती है। हाँ, मतलब रहती है नेक टू नेक ही, मतलब जैसे इसका मेरा बम्पर है सामने वाला, हाँ वो गेट पे रहती है। हाँ, और ये है कि ये 115 पे करती है 400 मीटर के, मैंने देखा हुआ है, तो 400 मीटर के हिसाब से इस राउंड में जीत गई, लास्ट में तो आपकी वो इससे पहले वाले में तो आपकी जीती। यहाँ से मेरे को थोड़ा लंबा लग रहा है, यहाँ से इस तरफ से तो जीत रही है आपकी। अरे अभी तो हम रोलिंग कर रहे हैं भाई, ड्रैग नहीं कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड गियर 40 कर लो, दोनों ऑटोमेटिक है, सेकंड गियर 40, सेकंड गियर 30 रखो, ठीक है। हाँ हॉर्न आप बजा देना, 3 हॉर्न बजा देना। चलो जी रोलिंग कर रहे हैं, स्पेक्स दोनों गाड़ियों के सेम है। भाई बराबर अभी भी रोलिंग में बराबर आगे आ रही है वीर जी, 100 नेट निकल रही है, निकल गई भाई, 100 नेट निकल गई रोलिंग में, ऑटोमेटिक रखनी पड़ेगी, मैं ज्यादा रन कर रहा हूँ भाई, निकल गई 120 के बाद पूरी निकल गई भाई, तो उसी में जाना है। हाँ पोटेंशियल में लाइट वेट का फायदा उसको है ज्यादा, बहुत फायदा है भाई, बहुत बढ़िया मजा आ गया भाई 100 नेट की पावर देख के, तो सही में वीर जी बहुत बढ़िया भाग रही है। वेन्यू नहीं जीती यार, पर ऐसे वेन्यू तो वीर जी वो थी ना 1 लीटर टर्बो में, तो फिर भी पावर ज्यादा, पेट्रोल थी ना वो, अच्छा पेट्रोल, डीजल और टॉर्क तो देखो उसमें 170 है, इसमें 250 है, सही बात है, इसमें क्रेटा सेल्टोस वाला ट्यून है ना, वेट उनसे कम है 100-150 किलो, तो साफ सही भाग रही है। रोलिंग करते है लास्ट, और इसको मैं ऑटोमेटिक में छोड़ दूंगा, ठीक है। 130 चलो जी, सेकंड गियर 30 आ चुके हैं। अरे ये तो इस बार पहले ही निकल गई यार, पर पूरी नहीं जा पा रही पूरी आगे नहीं जा पा रही। बराबर आ रही है स्कॉर्पियो, बराबर आते हुए बराबर आ गई भाई, अब आ गई आगे,
अब हमारी निकल गई 125 के बाद, पर एकदम बराबर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है भाई, बहुत बढ़िया है भाई सोनेट, मतलब पंपर पे ही रहती है, बिल्कुल पंपर पे, सही बात है, स्कॉर्पियो गैप नहीं कर पाती इसको। हाँ और भाई बढ़िया भाग रही है वीर जी, ये तो यार बहुत बढ़िया जी, मैं तो बलेनो से पहले लेने वाला। तो गाइज ये थी अपनी कुछ ड्रैग रेस सोनेट वर्सेस स्कॉर्पियन, और क्या जबरदस्त कॉम्पिटिशन रहा है भाई इन दोनों गाड़ियों का ना, सोनेट ने क्या कमाल दिखाया है यार स्कॉर्पियन से, मुझे उम्मीद थी पर भाई लाइट वेट का बेनिफिट एट द एंड पोटेंशियल में सोनेट ले जाती है, पर भाई वैसे भी पूरी ड्रैग में ना वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हुई, हमेशा पीछे बोनट पे गेट पे बनी रही है, और रोलिंग राउंड में तो और ही खतरनाक भागी है। तो आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी विनर है भाई, हम तो कुछ कंक्लूजन निकाल नहीं पाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।